एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। दीपक भट्टू से लोकमत। राहुल जी, आज मार्केट में किसानों को सोयाबीन का 4000 रुपया करीबन रेट मिल रहा है, एमएसपी है 4830 रुपया। तो आपने कहा है कि हम लोग 7000 रुपया देंगे अगर सत्ता पे आएंगे तो, और प्लस बोनस। तो 4000 और 7000 प्लस बोनस, ये जो डिफरेंस है वो कहां से कांग्रेस कॉम्पेंसेट करेगी? ये हमने सारे कैलकुलेशंस कर रखे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हमने ऐसी ही पॉलिसी छत्तीसगढ़ में चलाई हैं। तो फाइनेंशियली देर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज इजिली फीजिबल, वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस। स्टडी किया है हमने, अगर आप डिटेल चाहते हैं तो हमारी टीम से हम आपको पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स, ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, इसका पूरा फाइनेंशियल डिटेल हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रंजीत सिंह, ANI। अभी राहुल जी, गुड मॉर्निंग, मैं रंजीत, ANI से। आप चूंकि काफी केंद्रित हैं धारावी के मुद्दे को लेकर के, तो मैं सवाल करना चाहूंगा कि 2005 से धारावी में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, रीडेवलपमेंट के नाम पे अगर हम बात करें तो अब जो योजना वहां चल रही है, आप चूंकि कह रहे हैं कि बिल्डिंग बनाने की कोशिश है, 1,00,000 करोड़ का उनका टारगेट है, तो 2005 से अब तक जो विकास नहीं हुआ है, अब अगर शुरू हुआ है उसमें आपको कमियां नजर आती हैं, और आप सरकार आने पे बदलने की बात भी की है महा विकास आघाड़ी ने? नहीं नहीं, विकास नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट। तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती तो योजना बंद होगी, तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं की जाएगा? 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे फिर एक बार शुरू होके और लेट? देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं, मैंग्रोव्स की जो जमीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आर ऑब्जेक्शन। आर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी इज बीइंग ट्विस्टेड to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land and it is being handed over to one person. Isi vyakti ko desh ke airports diye ja rahe hain, isi vyakti ko defense ki puri manufacturing ki industry di ja rahi hai, isi vyakti ko ports diye ja rahe hain, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है, और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं, विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पर, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है, यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। और मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं। मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा, और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का
फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1,00,000 युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता, 1,50,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरब्रस प्रोजेक्ट, 6,000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता, 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते, 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंसिस सर्विस सेंटर, 2,00,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। बल्क ड्रग पार्क, 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, 3,00,000 युवाओं को रोजगार मिलता। टोटल 5,00,000 युवाओं के जो जॉब्स हैं वो आपसे छीने गए हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप इस बात को समझिए, धारावी की जमीन छीनी जा रही है। मोदी जी सामने बोल रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं, अदानी जी को दी जा रही है। 7,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपसे छीने गए हैं और 5,00,000 युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो आपसे लिया गया है और दूसरे प्रदेशों में गया है। ये रिकॉर्ड है, ये पक्की बात है, ये हवा की बात नहीं है। अनन्या गुप्ता, पीटीआई। और अगर आप इसके डिटेल चाहते हैं तो हम आपको सबको डिटेल्स दे सकते हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप ये बात समझिए, आपसे आपकी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार रोजगार चोरी कर रही। सर, इफ यू सी द टेंडरिंग प्रोसेस, इट इज स्टेटेड दैट एवरीवन विल गेट हाउसेस इन धारावी हु आर स्टेइंग ओवर देयर, सो हाउ डू यू क्लेम एंड जस्टिफाई दैट पीपल विल गेट? एवरीबॉडी नोज हाउ अदानी टेंडरिंग प्रोसेस वर्क्स, द होल कंट्री नोज इट। Okay, everybody knows how CBI is used, how ED is used, how Income Tax Department is used, how people are pressured. An example is sitting in front of you in Mumbai Airport. It's there for everybody to see. Now, it's one thing if the media doesn't want to report it, right? But the fact of the matter is the whole country knows that Mr. Adani is fully supported by the Prime Minister, and anything that Mr. Adani wants, he gets. Sir, Deepak Kadam Sakal, 1 second, please. Anushasan, please. दीपा कदम साकाल, धारावी का रिडेवलपमेंट कैसे होगा इसका? धारावी का डेवलपमेंट जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर होगा। आज उनके इंटरेस्ट को परे किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को निगेट किया जा रहा है और इनके इंटरेस्ट को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। और धारावी की बात नहीं है, दूसरी जमीन की बात है, मैंग्रोव की बात है, मुंबई की फ्लडिंग की बात है। तो ये सिंपल चीज नहीं है कि भाई सिर्फ धारावी जा रहा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है। और हम चाहते हैं कि जो धारावी के स्टेक होल्डर्स हैं और मुंबई की जनता का इसका फायदा हो। तो जो भी होगा स्टेक होल्डर्स से पूछकर, स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन के साथ होगा, एक व्यक्ति के लिए सारे रूल्स तोड़कर नहीं होगा। राजू सोनमने, एबीपी माझा। नहीं, मैंने आपको लिस्ट पढ़ के दी है, 8 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको डिटेल करके दिए हैं, क्योंकि बीजेपी ने बात बोली है मेरे बारे में कि कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो ये हैं प्रोजेक्ट्स, लिस्ट हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आप देख लीजिए, आप स्टडी कर लीजिए। ये सारे के सारे महाराष्ट्र में आने थे, ये सारे के सारे गुजरात गए हैं, ये फैक्ट है। लास्ट, और ये हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अदानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अदानी जी को दिया जा रहा है, और यहां पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब छीन कर आपसे
दूसरे स्टेट में चले गए। राहुल जी ऐसे नहीं भैया, एक एक करके प्लीज, एक करके, अभी वो कहीं नहीं। थैंक यू। अक्षय मानकणी, TV9 मराठी। देखिए बीजेपी को डिस्ट्रैक्ट करने की आदत है। मैंने आपसे कहा कि मेन मुद्दा रोजगार का है, उसके बाद मैंने आपको ये 8 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी, राइट, जो डिटेल कर रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां से गए और 5 लाख युवाओं को जो रोजगार मिलना था वो महाराष्ट्र की सरकार ने यहां से भेज दिए। धारावी की जमीन की बात की, 1 लाख करोड़ रुपए का की वैल्यू है, महाराष्ट्र की है, मुंबई की है, मुंबई के लोगों की है, वो आपके सामने छीनी जा रही है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको परे किया जा रहा है, ठीक है, किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई है। अब बीजेपी इन सवालों के जवाब कैसे दे? वो दे ही नहीं सकती है, तो डिस्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मगर डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन साहिल जोशी। राहुल जी यहां पर है भैया, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। राहुल जी यहां पर है, किसको दे रहे हैं? साहिल यहां पर। सर यहां पर। सर, कल जो महाविकास आघाड़ी की रैली हुई थी वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि अडानी का टेंडर रद्द करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप और शिवसेना यूबीटी इस बात पर ज्यादा पॉलिटिकली अलाइंड है, आइडियोलॉजिकली आप ज्यादा अलाइंड है? कल आपके ट्वीट का भी उन्होंने जिक्र किया था जो आपने बाला साहब ठाकरे के इस पर किया था, तो आपको लगता है कि आप दोनों ज्यादा अलाइंड है इस चीज़? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, हमारी जो सरकार आएगी वो महाराष्ट्र के लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। जो धारावी में हो रहा है वो महाराष्ट्र की जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो मुंबई के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम महाराष्ट्र के, मुंबई के और धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं। और जो उद्धव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद राहुल जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे सर, 23 तारीख के बाद फिर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।